नव आरक्षकों की व्यापम परीक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों द्वारा फॉर्म जमा किया गया था, जिनके मेडिकल चेकअप एवं चरित्र सत्यापन चयन प्रक्रिया के बाद 43 वन आरक्षकों का चयन किया गया, जिनके नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं और आज चयनित नव आरक्षकों की उमरिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आमद दर्ज कराई गई, जहां से आदेश जारी करने के बाद प्रक्रिया कार्यवाही के लिए आए हुए नव आरक्षकों को पुलिस लाइन भेजा गया है, जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं पुलिस अधीक्षक असित यादव ने चयनित आरक्षकों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सभी नव आरक्षक खूब तरक्की करें, जिनके अच्छे कार्य से मध्य प्रदेश पुलिस नाम सुनहरे अक्षरों में देखा सके। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। आज एक व्यापम में जो परीक्षा की थी उसके तहत जो उमरिया जिले को 43 आरक्षक, उसमें नव आरक्षक जो थे वो अलॉट हुए थे, तो उसी के तहत फिर इनके बाकी चेक सत्यापन और मेडिकल के ऊपर नियुक्ति आदेश जारी किए गए और आज ये लोग अपने यहाँ पे आमद देने आए। हम इनके जो भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये लोग आगे चल के अच्छा कार्य करें, जिससे मध्य प्रदेश पुलिस से गौरव मिले। पूरी बात बताएं। नाम मेरा किरण उसके और मैं धार डिस्ट्रिक्ट से आ रही हूँ। सर, आज मेरी ज्वाइनिंग थी तो अभी मतलब एक घंटे बाद बोल रहे कि आदेश दे देंगे कभी। वहाँ पर जानकारी दी गई थी कि आज हमारी ज्वाइनिंग का है, क्योंकि हेडक्वार्टर से आदेश है कि सब लोगों को जितने भी रिक्रूटमेंट हुए अभी इस साल उसमें पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उनको 31 के पहले पहले ज्वाइनिंग देना है, तो सब जिलों में अभी बुला लिया गया है, तो हम भी उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। अभी हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उनका वेट कर रहे हैं, अभी एक घंटे बाद उनको भेज दिया जाएगा और वहाँ पर हमारा आवाज हो जाएगी, वहाँ पर रिपोर्टिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर, एक तो 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था, बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई करा मैंने, उसके बाद फिजिकल निकाला, मतलब घर वालों को भी खुशी है और मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि आजकल जॉब लेना कोई वो छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आज कंपटीशन का इतना दौर है कि कम से कम व्यापम तो कोई भी एग्ज़ाम मध्य प्रदेश सरकार का तो 80% कट ऑफ तो ईजी जाता है। अभी पटवारी का ही देख लीजिए, जैसे अभी मेरे 78 थे, डेढ़ नंबर कम रह गया, तो मैं जनरल में था तो नहीं हो पाया, तो ऐसे 80 लगभग 80% कट ऑफ जा रहा है।